अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आज हम आपके साथ गन्ने की जूस की रेसिपी शेयर करेंगे। तो ये ऐसा जूस है जिसमें हमारे पास गन्ना नहीं है, लेकिन हम गन्ने के बिना ही इस तरीके का जूस बनाएंगे जिसमें आपको गन्ने के जूस का पूरा फ्लेवर आएगा। तो ये बहुत ही बढ़िया वीडियो है फ्रेंड्स, मैं अक्सर इसको बनाती हूँ और रेसिपी को जब मुझे गन्ने के जूस का फ्लेवर इसमें अच्छे से आया तब मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो सोचा आप लोगों के साथ भी इसको शेयर कर दूँ फ्रेंड्स। तो बहुत ही बढ़िया सी रेसिपी है, इसमें कोई झाम झूम नहीं है, सारा इंग्रेडिएंट्स हमारे घर में अवेलेबल है और बहुत ही बढ़िया बनके तैयार होता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल नूरा कुकिंग। तो सबसे पहले फ्रेंड्स हमने 150 ग्राम हमने गुड़ लिया, गुड़ काला गोरा जो भी आप ले सकते हो फ्रेंड्स, जो आपको आसानी से अवेलेबल हो। इस तरीके के जो बर्तन होते हैं उसमें आप गुड़ को आप कूट सकते हो और इस तरीके के जो हमारे पास नाइफ होती है उससे गुड़ को आप काट भी सकते हो। ग्रेटर से भी आप गुड़ को ग्रेट कर सकते हो और बेलने से भी आप पॉलीथीन में गुड़ को डाल करके बेलने से आप इसको तोड़ोगे तो बहुत ही आसानी से हो रहा है फ्रेंड्स। देखिए मैं इस तरीके से आपको दिखा रही हूँ तो ये बहुत ही आसानी से गुड़ हो जाता है फ्रेंड्स। तो इस तरीके से आप इसको थोड़े छोटे टुकड़े में कट कर लेना या तोड़ लेना फ्रेंड्स। तो 150 ग्राम का आपको दिखा रही हूँ, तकरीबन 3 से 4 ग्लास इसमें बहुत ही आसानी से बन जाएंगे। तो फ्रेंड्स अच्छे से हमने इसको तोड़ लिया, इसके बाद इस तरीके का हम लोगों के पास जो मिक्सर जार होता है फ्रेंड्स वो सभी के घर में होता है, तो हमने वो वाला लिया जो जूस के लिए बड़ा वाला आता है ना, तो वही वाला आप यूज़ कीजिएगा। अगर आप नॉर्मल मीडियम वाला लेंगे उसमें हम लोग मसाले वगैरह करते हैं तो उसको गर्म पानी से धोने के बाद ही आप यूज़ कीजिएगा, बस इसमें चिल्ड वाटर का आप यूज़ कीजिएगा फ्रेंड्स। तो बड़े वाले मिक्सर जार को अच्छे से साफ कर लीजिए जो नॉर्मली जूस के लिए होता है फ्रेंड्स, तो उसको हमने इसमें गुड़ को डाल दिया और इसके बाद 1 ग्लास चिल्ड वाटर इसमें डाल दीजिएगा। 25 से 30 पत्ती हमने मिंट की लिया है फ्रेंड्स पुदीना की, तो इसे छोटे टुकड़े में कट कर लिया, चाहे तो अपना करें क्योंकि अच्छे से ग्राइंड हो जाएगा। 2 मीडियम साइज़ का हमने लेमन लिया था फ्रेंड्स, उसके जूस को हमने इस तरीके से स्क्वीज कर लिया और इसमें हम डाले दे रहे हैं। अब तमाम चीज़ों को डालने के बाद फ्रेंड्स हम इसके लिड को कवर कर देते हैं और इसको फटाक से ग्राइंड करके आपको दिखाते हैं फ्रेंड्स। देखिए इस तरीके से अभी मैं आपको ग्राइंड करके इसे दिखा रही हूँ फ्रेंड्स, तो आप देख सकते हो फ्रेंड्स मैंने अच्छे से ग्राइंड कर लिया है और जो सारे जिसमें हमने सामान डाले थे वो बहुत ही बढ़िया से मिक्स हो गए। आप एक छन्नी में इस तरीके से इसे छान लीजिए जिससे भी जो भी इसके छोटे छोटे पार्ट हैं वो आराम से फ्रेंड्स इसमें आ जाएंगे और नीचे अच्छे से इसका जूस हमारा निकल आएगा। देखिए इस तरीके से इसमें जो थोड़े छोटे छोटे गुड़ के टुकड़े हैं और जो पुदीना है वो अच्छे से फ्रेंड्स अलग हो जाएगा। तो इस तरीके से आप इसको छान करके और ये जो हमारे जो निकले हैं फ्रेंड्स इसको आप रिमूव कर दीजिए फ्रेंड्स इस तरीके। अब आप देख सकते हैं मेरा बहुत ही बढ़िया सा ये जूस बनके तैयार हो गया। इसमें कुछ इंग्रेडिएंट्स और पड़ेंगे वो मैं आपको बताती हूँ फ्रेंड्स। तो 1 ग्लास हमने इसमें पानी और डाला है, टोटल हम इसमें 2.5 ग्लास से करीब पानी आप डाल दीजिएगा फ्रेंड्स। देखिए 1/2 ग्लास से थोड़ा कम है, बनस्बट आप 1/2 ग्लास आप ले लीजिएगा। तो 2.5 ग्लास से करीब हमने इसमें पानी डाला है फ्रेंड्स, अच्छे से इसको चम्मच से बढ़िया से मिक्स कर दीजिए। अब इसमें थोड़े से हम मसाले डालेंगे, 1/2 टीस्पून इसमें आप काला नमक ज़रूर डालिएगा फ्रेंड्स और 1/2 टीस्पून तो थोड़ा सा कम हम इसमें चाट मसाला डालें। ये चाट मसाला मेरा होममेड है, आप हमें कमेंट करोगे तो मैं आपको बहुत ही आसानी से बता दूंगी। बहुत ही फ्रेंड्स घर के इंग्रीडियंट से बन जाता है और बहुत ही टेस्टी है। अब फ्रेंड्स इसमें काली मिर्च आप जीरा भी डाल सकते हो, लेकिन मुझे लगता है उससे अच्छा फ्लेवर इसका नहीं आएगा इसलिए मैंने इसे नहीं डाला। थोड़े से आइस क्यूब लेकर के हमने सर्विंग ग्लास में फ्रेंड्स इस तरीके से डाल दिया। इसके अलावा कुछ हमने लेमन को अच्छे से इसके स्लाइसेस कर लिए थे, तो इस तरीके से हम इसकी गार्निशिंग करेंगे। लेकिन आप लोग जो आइस क्यूब का यूज़ कम कीजिएगा, ठंडे पानी का यूज़ ज़्यादा कीजिएगा क्योंकि आइस क्यूब जो बर्फ़ होता है वो ज़्यादा नुकसान करता है बनस्बत पानी के। तो ठंडा पानी का आप ज़्यादा यूज़ कीजिए, आइस क्यूब का कम कीजिए, लेकिन इतनी गर्मियाँ हैं कि दिल नहीं मानता, हम लोग फटाक से बर्फ़ डाल ही देते हैं। तो इस तरीके से लेमन जो हमने स्लाइसेस किए थे फ्रेंड्स इसके आप गार्निशिंग कर दीजिए। देखिए फ्रेंड्स जैसे मैं कर रही हूँ तो बहुत ही बढ़िया ये बन के तैयार होता है, तो प्लीज़ आप लोग इसे ज़रूर बनाइएगा इस समर में, आपको बहुत ही बढ़िया लगेगा। एक बार आप इसको बनाओगे ना तो आपको दिल करेगा बार बार इसे बनाऊँ। तो अक्सर मैं इसे बनाती हूँ, तो आज मैं आपके साथ इस रेसिपी को शेयर कर रही हूँ फ्रेंड्स। और बाज़ार से हम लोग गन्ने का जूस लाते हैं ना फ्रेंड्स, तो हम लोग को वहाँ जा करके पीना पड़ता है, तो हम लोग इंस्टेंट घर के इंग्रेडिएंट से ही बना लेते हैं क्योंकि फ्रेंड्स हमको अच्छे से पता है गुड़ से गन्ने से ही गुड़ बनता है। तो जाहिर सी बात है कि इसमें सारे इंग्रीडियंट्स हमने डाल दिए, इसका टेस्ट बहुत कुछ गन्ने जैसा है। तो थोड़े से हमने पुदीने के पत्ते को डाल करके फ्रेंड्स इसमें हमने इसकी गार्निशिंग कर दिया, बट आप लोग मत डालिएगा क्योंकि ये टुकड़े छोटे छोटे टुकड़े फ्रेंड्स अगर मुंह में आएंगे तो अच्छे नहीं लगेंगे। हमने बढ़िया से इसमें पुदीने का फ्लेवर हमने जूस में दिया हुआ, हम लोग को थंबनेल वगैरह बनाना रहता है इसलिए हम लोग इसकी गार्निशिंग करें। आप लोग घर के लिए बनाना तो ऊपर से पत्तियाँ मत डालना। और रिफ्रेशिंग ड्रिंक की बहुत सारी रेसिपीज़ हमारे चैनल पर अवेलेबल है, आप लोग हमारे चैनल पर विजिट जरूर करें। इंडियन फूड
फास्ट फूड, पाकिस्तानी फूड, वेज और नॉन वेज हर तरीके की रेसिपीज मैं अपने चैनल पर लोड करती रहती हूँ। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर। बहुत जल्दी किसी नई रेसिपी मिलूंगी। अल्लाह हाफिज़।